हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नई बुक समरी के साथ आए हैं जो कि बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। आखिर हमें थिंक एंड ग्रो रिच बुक क्यों पढ़ना चाहिए और ये किन लोगों के लिए है, इसको हम चार बातों से जानेंगे। पहली बात, वे लोग जो सफल और कामयाब बनने का रहस्य जानना चाहते हैं। दूसरा, वे लोग जो सफल और कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं। तीसरा, वे लोग जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। और चौथा, वे लोग जो किसी कारण से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच किताब के लेखक के बारे में, दोस्तों इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल जी हैं, जो एक अमेरिकन लेखक हैं और उनकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए वे जाने जाते हैं। उनके द्वारा 1937 में लिखी गई यह किताब आज भी कामयाबी पर लिखी गई दुनिया की सबसे सफल किताबों में से एक है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल जी 500 से भी ज़्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट पता चला था। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए 13 स्टेप्स बताए हुए हैं। नेपोलियन हिल का अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इस किताब में लिखे हुए उन प्रिंसिपल के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के ना जाने कितने लोग सफलता हासिल कर चुके हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वे सिर्फ डिजायर से ही होता है। जैसे आपकी यह समरी सुनने की इच्छा, इसलिए आप इस समय ये समरी सुन रहे हैं। इसलिए दुनिया का हर एक काम इंसान के इच्छा से ही होता है और आमतौर पर डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ जो इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिज़ायर, यानी कि तीव्र इच्छा शक्ति। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर ये बर्निंग डिज़ायर आ जाती है तब वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है और वो अपने पूरे शिद्दत के साथ अपने डिज़ायर को पूरा करने में जुड़ जाता है। असल में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी डिजायर को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में पढ़कर उसको अपनी तीव्र इच्छा शक्ति बना सकता है। इस किताब के राइटर कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की बर्निंग डिजायर है तो उसको वह चीज़ हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी आपके नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कर्नल सैंडर्स जी अपने रिटायरमेंट के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 1000 घर के दरवाजों से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला और उसी के बाद केएफसी नाम की फूड कंपनी की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर है तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही प्रकृति पर और ना ही खुद पर ही विश्वास है कि वो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा और उसके अंदर यह डाउट है कि मैं यह काम कर पाऊँगा। तो आप ही बताइए कि क्या वो इंसान अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है? फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं उनके अंदर विश्वास और खुद पर भरोसा, सेल्फ बिलीव था,
इसलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर भरोसा करना ही होता है और अपने मन चाहे लक्ष्य को हासिल करना होता है। फ्रेंड्स, ऐसी सोच रखने वाला ही व्यक्ति हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पर संदेह करने वाला व्यक्ति। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जी जब बल्ब को बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर थोड़ा विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे और उसके बाद वे आखिरकार बल्ब को बनाने में सफल हो गए और उनका इतिहास के पन्नों में नाम अमर हो गया। फ्रेंड्स, खुद पर भरोसा करना ये बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है, यह आपसे कुछ भी करवा सकती है। इसके बाद है, अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते हैं कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। ऐसी बात को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना, यानी खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच में मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई और नहीं दे सकता। एग्जांपल के लिए, अगर आप खुद से रोज़ यह कहने लगें कि तो दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या बड़ा जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिजायर होती है, खुद पर विश्वास और नॉलेज, यह सब तो होता है, लेकिन फिर भी वे लोग बहुत वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास चीज़ों को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने की नॉलेज नहीं होती है। फ्रेंड्स, वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जाए और कैसे इस दुनिया तक पहुँचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी कामयाब नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पहले यह सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है, और उसके बाद यह सोचिए कि कब से कब तक आप इस मंजिल को हासिल कर लेंगे। अगर आपने बस यह सोच लिया है कि आपको करना है, लेकिन यह नहीं सोच लिया है कि कब तक करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे करने के बाद में टाल रहे हैं, जो आपको अपने टारगेट्स तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। आप हर कदम को आराम से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये काम आप जितना फैलाकर करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब आपको आपका बेहतर प्लान मिल जाएगा, तो उस पर आप फौरन अमल करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा, तो उसे किसी कागज़ पर लिख लीजिए और दिन में 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। फ्रेंड्स, मास्टरमाइंड लोग, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए, दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो किसी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं
जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। एग्जांपल के लिए, अगर उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति के पास ही जाएंगे और उसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेंगे। मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये फ़ायदे अकेले काम करने के फ़ायदों से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपका टारगेट जितना बड़ा होगा उतना ही उस प्लान पर काम करना मुश्किल होगा, इसलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए जिससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप उस टारगेट को हासिल कर पाएंगे। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा चेतन मन अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना नहीं जानता, फ़र्क करना ये जानता है, इसलिए वो सिर्फ अपने काम की चीज़ों को अपने पास में रख कर बेकार चीज़ों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रखता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों से और बुरी चीज़ों से दूर रखें। हमारा अवचेतन मन हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप एक दो महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहें तो आप ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां ही निकलने लगेंगी, क्योंकि दोस्तों नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने से आप भी वैसा ही बन जाएंगे। कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनके इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए किए गए फैसलों पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, और वे वही बहुत से लोग हैं जो असफल हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए गए जो ही फैसले रहते हैं उस काम पर ध्यान नहीं दे पाते, और जो उनके लिए लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अपनी कही हुई बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं तो आप कामयाब और सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए हेनरी फोर्ड को ही ले लेते हैं, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। वे अपने इंजीनियर्स को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे, और उनके इंजीनियर्स के हिसाब से ऐसा इंजन बनाना असंभव सा था, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे वह इंजन किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, और अंत में वह इंजन बन ही गया जिसकी जिद हेनरी फोर्ड ने कही थी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ही ऐसे लोगों की बातें न सुनने में ही आपकी भलाई होगी। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को ही मत बताइए, उसके बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं और जो आपके टीम मेंबर हैं। सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग जीतते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए हुए चार आदतों को अपना सकते हैं। पहला, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। दूसरा, उस टारगेट को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाएं। तीसरा, अपने आप को नकारात्मक लोगों से दूर रखें और उनके साथ उठना बैठना बंद कर दें। चौथा, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएं जो समय आने पर आपको साथ दें।